हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक अगेन माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे हम हैं अपने खेतों में। तो अभी आज हम यहाँ पर खेतों को हल लगाने के लिए आए हैं। वैसे तो हल तो आजकल नहीं लगाते हैं, आपको ये जो छोटा ट्रैक्टर आपको दिख रहा है इससे ही खेतों को जोता जाता है। और अभी आप मेरे पीछे का व्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर व्यू है इसका। देखिए ये देखिए दोस्तों, काफ़ी सुंदर व्यू लग रहा होगा। ये देखिए, और आज आपको मौसम भी काफ़ी क्लीन दिख रहा होगा क्योंकि 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। तो हम तो यहाँ पर हल लगाने के लिए नहीं आए थे, तो आज मौसम अच्छा दिखा तो हम यहाँ पर आ गए हैं। और लोगों के खेतों को देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने तो यहाँ पर खेतों को जोत लिया है। ये देखिए, और अभी यहाँ पर इस खेतों पे मैल फेंका जा रहा है। और जब मैल फेंकेंगे पूरी तरह से तो इसके बाद हम इस ट्रैक्टर को लगाएंगे इस खेत पर। और यहाँ पर सामने देखिए बहुत ही बड़ी ये झील है, और यहाँ पर बीजे हैं जो। और दोस्तों अभी मैल फेंकने के लिए थोड़ा ही बचा है, अभी आप देख सकते हैं लगभग ख़त्म ही होने वाला है। तो लगभग सारे खेतों पे मैल फेंका गया है। तो इसके बाद हम इस खेत पर अभी ट्रैक्टर लगाने वाले हैं। अभी तो धूप काफ़ी बढ़िया लगी है और काफ़ी तेज़ धूप है, तो प्यास भी काफ़ी जल्दी लग रही है। तो पहले पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रैक्टर को लगाएंगे खेत पर। अभी मैल तो लगभग फेंक ही दिया है पूरे खेत पर। तो ये रहा ट्रैक्टर, तो अभी हम इसको इस खेत पर चलाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप यहाँ व्यू देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया है। अभी आसमान में आपको कुछ बादल दिख रहे होंगे, कुछ देर बाद शायद मौसम भी ख़राब हो सकता है। तो चलिए ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो हमने स्टार्ट करके रखा था, तो फिर थोड़ी देर हमने बंद करके रखा था। तो अभी तो स्टार्ट कर लिया है ट्रैक्टर को, तो चलिए चलते हैं अब खेतों में इसको चलाने के लिए। तो दोस्तों हमने 5-10 मिनट के बाद इस खेत को तो जोत कर ख़त्म कर दिया है। अब चलते हैं दूसरे खेत पर, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत है तो ट्रैक्टर को ले जाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऐसे सीढ़ीनुमा खेतों पर। तो अभी हम दोस्तों आ गए हैं दूसरे खेत पर, और यह भी देख सकते हैं आपकी यहाँ पर भी मैल फेंका जा रहा है इस खेत पर। और अभी से आप इस व्यू को देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर व्यू है। और ये है बरोट वैली का व्यू, और सामने की ओर आप देखते हैं ये बड़ी सी झील। तो पहले वाला खेत हमारा इस झील के साथ ही था। तो अभी हम ट्रैक्टर को वहीं से चलाकर इस खेत पर लेकर आए हैं। और सामने देख सकते हैं दोस्तों एक बस जा रही है जो अभी जोगिंदरनगर से आई है बरोट के लिए, और अभी ये वापस जाएगी। तो लगभग 1:15 बजे के आसपास ये यहाँ से फिर जोगिंदरनगर के लिए जाएगी। और अभी तो आप देख सकते हैं मौसम, सुबह तो काफ़ी बढ़िया मौसम था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा बादल आ गए हैं आसमान पर। तो कभी भी मौसम ख़राब हो सकता है और बारिश भी हो सकती है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। और दोस्तों आज का मौसम भी ऐसा ही बताया है, 12-1 बजे तक तो मौसम साफ बताया है, और उसके बाद मौसम ख़राब ही बताया है। तो अनुमान ये है कि मौसम शायद ख़राब हो ही जाएगा। और दोस्तों इसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रहा था, और फ़िलहाल के लिए पापा यहाँ पर ट्रैक्टर चला रहे थे क्योंकि लगातार 2-3 खेत में जोत के आया था, तो थकान भी हो रही थी। और यहाँ पर आपको तो पता ही है कि सीढ़ीनुमा खेत है, तो ट्रैक्टर को ऊपर चढ़ाना ऐसे काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो काफ़ी थकान हो जाती है। फिलहाल 5-10 मिनट के लिए यहाँ पर ट्रैक्टर चला रहे थे, और इसके बाद बचे हुए थे हमें सिर्फ एक ही खेत बचा था। इस टाइम हमें प्यास लगी थी और हमारे पास पानी भी ख़त्म हो चुका था, इसलिए हमने कब्बू को नीचे वाले मकान के पास पानी लाने के लिए भेज लिया था। और यहीं पर ही लास्ट खेत था, तो इस खेत पर मैल फेंका जा रहा था। और दोस्तों जैसे ही हमने इस खेत पर ट्रैक्टर चलाना शुरू किया तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, और जैसे जैसे हम खेत को जोत रहे थे तो बूंदाबांदी धीरे धीरे और भी तेज़ होती जा रही थी। और जैसे ही हमने खेत को फिनिश किया तो बूंदाबांदी इतनी तेज़ हो गई थी कि हमें यहाँ पर लगभग 1 घंटे के लिए रुकना पड़ गया था। और जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम हुई तो हम वहाँ से निकल गए थे और हमने वैन में ही अपने ट्रैक्टर को लाया था यहाँ तक, क्योंकि घर से यहाँ खेत की दूरी 1 किलोमीटर है। तो हमने ट्रैक्टर को वैन में ही यहाँ तक खेतों तक लेकर आए थे और जाते टाइम भी हम वैन में ही गए। और यहाँ देख सकते हैं कि हम अपनी जगह पर पहुँच गए थे और देख सकते हैं कि बारिश कितनी ज़ोरों से लगी हुई थी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग तो इतना ही था, तो अगले ब्लॉग में आपसे फिर से मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।